उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे अवसर दिया। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जब होता है तभी किसी अभियुक्त को फांसी की सजा मिलती है, और आज इस घटना को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, जिस तरह से पूरे देश में लोग मर्माहत हैं, इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम निश्चित तौर से उसकी जांच करेंगे कि एक रेपिस्ट को किस तरह से इजाजत दी गई कि जो मृत्युदंड की सजा पाए हुए हो उसकी उसका इंटरव्यू हो। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि जिस कंडीशन पे अगर लेस्ली वुडविन को, जो बीबीसी की संवाददाता है, अगर उन्हें इजाजत मिली है तो स्वाभाविक है अगर उन्होंने उस कंडीशन का वायलेशन किया है तो उन शर्तों के उल्लंघन के बाद आज निश्चित तौर से भारत में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या हमारी सरकार ने कहा है कि जो निर्भया कांड के दोषी हैं उनके इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लग जाएगी। लेकिन कम से कम वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग फोरम पे, जिसको लेकर के आज हमारी तमाम सदस्य महिला हो या पुरुष हो, हम सारे लोग उपस्थित हैं, तो निश्चित तौर से उस फोरम पे भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जरूर उठाए कि क्या उस कंडीशन का वायलेशन हुआ है, और भारत के बाहर भी उस पर कोई ब्रॉडकास्टिंग पे रोक लगनी चाहिए।